नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टॉक फॉर यू चैनल में। और आज हम बात करेंगे इनबिल्ट प्रोग्रामेबल जेन पीएलसी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके लेआउट के ऊपर बात करते हैं। तो ये है इसका एलसीडी स्क्रीन, इसके बाद ये है इसका पेरिफेरल पोर्ट जिसमें मेमोरी कैसेट या फिर पीसी टू पीएलसी केबल, कम्युनिकेशन केबल कनेक्ट होते हैं। इसके बाद ये है इसके फंक्शनल कीपैड्स, ये है इसके पावर सप्लाई, यहाँ इसके पावर सप्लाई कनेक्ट करेंगे। और ये है इसके इनपुट पॉइंट्स, ये है इसके आउटपुट पॉइंट्स, ये है इसका एक्सपेंशन मॉड्यूल, ये एक्स्ट्रा पोर्ट है जिससे हम एक्सपेंशन के मॉड्यूल्स को कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसके दो तरफ लेफ्ट एंड राइट साइड में दो पोर्ट होते हैं। लेफ्ट साइड के पोर्ट से हम रिमूवेबल बैटरी यूनिट कनेक्ट करते हैं जिससे कि ज़्यादा टाइम तक पावर ऑफ होने की स्थिति में प्रोग्राम ना गायब हो या लॉस्ट ना हो प्रोग्राम। और राइट साइड से हम एक्सपेंशन मॉड्यूल कनेक्ट करते हैं। और अगर मैं बात करूँ 10 इनपुट आउटपुट वाले सीपीयू की, तो इसमें 6 इनपुट होते हैं और 4 आउटपुट होते हैं। साथ ही साथ मैक्सिमम 3 एक्सपेंशन मॉड्यूल हम कनेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि इस फिगर में भी आपको दिख रहा होगा। इस पीएलसी में डिफरेंट तरीके के टाइमर्स एंड काउंटर्स दिए हैं, साथ ही साथ इसमें इनपुट फिल्टर भी दिया है जो इनपुट वोल्टेज में आने वाली डिस्टरबेंसेस को ख़त्म करता है। और साथ में इसमें पासवर्ड प्रोटेक्शन तो है इस पीएलसी के अंदर। तो दोस्तों चलते हैं पीएलसी व्यू पे और बनाते हैं एक छोटा सा प्रोग्राम जेन पीएलसी पे, जिसका मॉडल नंबर है 10C1DRD V2। हाँ, हम इसी पर बनाएंगे। इसका जो पावर सोर्स है वो है DC 24 वोल्ट। इसमें 6 इनपुट्स हैं और 4 इनपुट रिले कॉइल्स हैं जो पोटेंशियल फ्री हैं। तो चलते हैं लाइव व्यू पे। तो दोस्तों यह है पीएलसी का सेटअप। इसमें एसएमपीएस के थ्रू डीसी 24 वोल्ट से सप्लाई कनेक्ट किया हुआ है। ये पूरा सेटअप है। यह है इसके फंक्शनल कीपैड्स जिसमें डिलीट, ALT, एरो कीज, ESC एंड ओके बटन्स हैं। और इस LCD स्क्रीन में आ रहा है इसका प्रोग्राम स्टेटस, मॉनिटर स्टॉप पैरामीटर्स, ये सब स्टेटस। इसमें ऊपर 6 इनपुट्स दिख रहे हैं I के सामने और जो स्क्वायर शेप में है वो आउटपुट्स हैं Q के सामने। तो इसमें भी दिख रहा है कि 6 इनपुट और 4 आउटपुट्स हैं। तो ये है इसका पूरा सेटअप। और इसमें मैं कनेक्शंस दिखा देता हूँ इसमें आपको किस तरह से कनेक्ट करा इसे। तो ये है इसका, तो यह है इसका कनेक्शन। इसमें 24 वोल्ट डीसी से सप्लाई दिया है और इसके ऊपर ये इनपुट का कनेक्शन कॉमन कनेक्ट किया गया है। और इसके बाद ये है इसके आउटपुट जो कि 4 हैं और ये पोटेंशियल फ्री रिले आउटपुट्स हैं। अगर हम पीएलसी को चेक करेंगे तो इसके राइट हैंड साइड से हम इसके एक्सपेंशन मॉड्यूल्स को कनेक्ट कर सकते हैं जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ, इस तरफ से हम एक्सपेंशन मॉड्यूल को कनेक्ट करते हैं और जो इसके लेफ्ट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड से इस वाले पोर्ट से हम इसके बैटरी को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इन बटन्स की हेल्प से प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं। इसमें ये स्टेटस स्क्रीन तो दिखाई स्टार्टिंग में आती है, ये सारे इसके कीपैड्स हैं। ओके बटन को दबा के हम इसके मेन मेन्यू में जाएंगे। इसमें मॉनिटर ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब पीएलसी मॉनिटरिंग मोड में है, यानी कि ऑनलाइन या रन मोड में। अभी हम इसको स्टॉप करेंगे। तो ये ऑफलाइन मोड में चली जाएगी, अभी हम इसे स्टॉप करेंगे। तो देखिए प्रोग्राम में चेंज हो गया मॉनिटर। इसमें मैं पासवर्ड ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ कि इसी मेन मेन्यू में अगर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, इसमें आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं। और साथ में बैकलाइट का ऑप्शन आएगा, कितने मिनट तक पीएलसी की लाइट ऑन रहेगी अगर आप बटन ना दबाएं। तो बाकी फिर इसके बाद
चलते हैं मेन। तो अभी हम चलते हैं सीधा प्रोग्राम पर। प्रोग्राम बटन को प्रेस करते ही प्रोग्राम दो चीज़ें पूछता है, एक तो एडिट और डिलीट करने का। तो सबसे पहले हम इसको डिलीट करते हैं, ये जो जो भी पुराना प्रोग्राम था उसे हमने डिलीट करा, और जो अब नया प्रोग्राम से हम शुरुआत करेंगे, नया प्रोग्राम एडिट कर रहे हैं हम लोग, बिल्कुल नया प्रोग्राम हम लिख रहे हैं। ओके बटन को यस करके हम इसके अंदर आ गए। दोस्तों यह प्रोग्राम एडिट स्क्रीन, जहां हम नए प्रोग्राम बनाएंगे तो सारे इनपुट या आउटपुट एलिमेंट्स के लिए हम ओके बटन प्रेस करेंगे, और एलिमेंट वहां आएगा जहां ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है। देखिए ये IO इसमें आ गया है ओके बटन प्रेस करते ही, वो भी NO आता है, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है इसकी। तो NO को अगर NC में कन्वर्ट करना है आपको तो ALT अल्ट बटन का यूज़ करेंगे, और फिर एरो की इससे कर्सर को आगे की तरफ ले जाएंगे। और अगर दोबारा से आपको कोई एलिमेंट इसमें डालना है तो आप दोबारा से ओके बटन दबाएंगे। अगर इसमें आपको, अब अगर आपको इसमें इसका I0 से I1 चेंज करना है तो आप एरो की से इसको I0 पे लेके जाइए कर्सर को, उसके बाद इसका नंबर आप चेंज कर सकते हैं एरो की से। अच्छा, इसमें अल्ट की अलग अलग जगह पे अलग अलग फंक्शन करती है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम अल्ट की दबाएंगे तो लाइन बनेगी, हमको एक लाइन की ज़रूरत है आगे कनेक्ट करने के लिए आउटपुट से, एक लाइन बनेगी। उसके बाद अगर हमको आउटपुट चाहिए तो हम फिर से ओके बटन दबाएंगे। जैसे कि आपको पता ही होगा कि लेफ्ट साइड में NONC एलिमेंट्स हम कनेक्ट, मतलब हमारे डिफ़ॉल्ट में हमें NONC एलिमेंट ही हम कनेक्ट करते हैं, और राइट साइड में आउटपुट कॉइल्स या टाइमर्स वगैरह, काउंटर्स टाइमर्स, हम ये चीज़ हम राइट हैंड साइड में कनेक्ट करते हैं। तो राइट हैंड साइड में कर्सर ले आके जैसे हम ओके को प्रेस करेंगे आउटपुट कॉइल आ जाएगी। इसमें भी वैसे ही आउटपुट नंबर चेंज कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा जो सिंपल सर्किट था वो था होल्डिंग का, तो अगर हमको इसके बाद होल्डिंग होल्डिंग का हमको सर्किट बनाना है तो एक NO हम नीचे लगाएंगे, तो इसी कीज़ का यूज़ करेंगे हम। फिर से कर्सर ब्लिंक कर रहा है, इसको लेके जाएंगे सेकंड रो पे I1 के नीचे। तो देखिए I0 प्रेस करते ही हमने ओके बटन प्रेस करते ही एक NO आ गया है। और इसमें एक चीज़ और भी है कि पहले तो हम जीरो को चेंज कर रहे थे, जब ये I ब्लिंक कर रहा था उस टाइम पर अगर हम इसको Q का कोई एलिमेंट हमें इसमें यूज़ करना है तो हम एरो कीज़ से उसको चेंज कर सकते हैं, वो आई से क्यू पे भी जा सकता है। देखिए इस तरीके से ये बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे काउंटर टाइमर वगैरह कुछ हमको यूज़ करना है तो हम इससे चेंज करके दे सकते हैं उसको। Q0 है ये। अभी हमको लाइन का यूज़ करना है तो हम अल्ट का यूज़ करके एक होल्डिंग लाइन बनाएंगे। अच्छा, इसमें अगर बाई चांस कोई गलती से आपका कोई बटन प्रेस हो जाता है तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, आप इसको डिलीट कर सकते हैं इसको डिलीट की मदद से, और फिर अल्ट की मदद से आप इसको लाइन को कंटिन्यू बना सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बन गया आपका पूरा का पूरा सर्किट, होल्डिंग सर्किट। अब इसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए हम ESC बटन का यूज़ करेंगे, हम इस प्रोग्राम एडिटर स्क्रीन से बाहर चले जाएंगे। तो देखिए इस तरह से, उसके बाद हम दोबारा इससे मेन प्रोग्राम स्क्रीन पर जाएंगे जहाँ पे हमको रन को प्रेस करना है, हमें प्रोग्राम ऑनलाइन मोड में डालना है। उसके बाद हमको प्रोग्राम चेक करने के लिए मॉनिटर मोड में जाना है, हम इसको मॉनिटर करना चाहते हैं, मॉनिटर मोड में जाएंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे I1 जो है वो है स्टार्ट बटन है, I0 जो है वो है स्टॉप बटन, और जो Q0 है वो हमारा कॉइल है। Q0 का जो नीचे NO लगा हुआ है वो है हमारा होल्डिंग। तो एक बार टेस्ट करते हैं इसको। तो ये पहले से मैंने कॉमन लिया हुआ है I1 को कनेक्ट करने के लिए, I1 I0 मीन्स इनपुट्स को कनेक्ट करने के लिए मैंने कॉमन लिया हुआ पहले से। ये मैं कनेक्ट करता हूँ सर, I0 जो है मेरा स्टॉप बटन है
और I1 जो है मेरा स्टार्ट बटन है। तो देखिए इसमें Q0 के साइड में 4, जैसे मैं I1 को कनेक्ट करता हूँ मेरा स्टार्ट बटन ऑन होता है। और देखिए ये Q0 के पास में 4 लाइंस आ रही हैं, ये दिखा रही हैं कि आपका कॉइल जो है वो ऑन हो गया है। और I0 को जैसे प्रेस करता हूँ वैसे ये ऑफ हो जाता है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा ऑनलाइन व्यू की तरह काम करता है आपका, जैसे कि आपका PC के अंदर जब आप प्रोग्राम चलाते हैं तो ऑनलाइन जैसे यूज़ होता है, बिल्कुल वैसा ही यूज़ होता है। इसमें बस सहूलियत यह है कि आप इसको अपने इन हैंड आप बना सकते हैं बहुत ही जल्दी से प्रोग्राम को। तो दोस्तों ये है PLC का काम करने का तरीका और एक छोटा सा लाइव एग्जाम्पल। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट तो ज़रूर दें। धन्यवाद दोस्तों।